ने भी उनकी बड़ाई की, और जब उन्होंने देखा कि मैं तो चून के कट्टे बांट रहा हूँ लोगों को, मैं तो 2,000 रुपए नरेगा के नाम पे जमा करा रहा हूँ लोगों के खाते में, और लोग लाखों रुपए वेस्टेज कर रहे हैं नुक्तों में, ये मुद्दा उस बात का है। दूसरा, आज इस प्रथा की बात करें कि ये प्रथा खत्म नहीं हुई, प्रथा तो पहले भी चली आ रही थी। 1825 के समय जब सती प्रथा, एक युवा नौजवान साथी मर जाता है, उसकी पत्नी को कहा जाता है कि उसकी चिता के सामने आप भी जलिए, उसके साथ में आप भी जलिए, वो भी प्रथा थी। तब इसी समाज से राजा राममोहन राय जैसा व्यक्ति जन्म लेता है और क्रांति लाता है, और वो भी बंद होती है। दास प्रथा भी इसी समाज में थी, जब राजाओं के तलवे चाटने के लिए दास रखे जाते थे, उसके खिलाफ भी मुहिम छेड़ी गई और उसको भी बंद कराया। इसी समाज से दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जैसे इसी समाज से पैदा होते हैं, वो को दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं, पर क्रांति जगाने की जरूरत है इस समाज में। ऐसे कोई दयानंद सरस्वती नहीं बनता, विवेकानंद नहीं बनता। मैं नहीं कहता कि आप विवेकानंद बन जाइए, पर उनके उच्च आदर्शों और अमूल्य वचनों को तो पूरा कीजिए। उनके मार्ग, उनके कहे कथन और मार्ग पर चलकर देश और समाज का निर्माण कर सकते हैं आप। की बात करते हैं, मैं किसी व्यक्ति और समाज का नाम नहीं लेना चाहता। अभी एक माननीय और यहाँ बैठे थे, वो कह रहे थे कि तेरा धूंधा में सब्जी डाले ची, अतरी रोटी बनाओ ची, अतरवा कर। मैं पूछना चाहता हूँ, वो खुशी का काम है भाई। अपन किसी के घर खाना खाएंगे तो उसका एक नियम होता है कि वो खाना खिलाने वाला और खाने वाला दोनों खुश हो। सही बात है ना? ब्याह में यही होता है, स्वामी में यही होता है, पर मृत्यु भोज में क्या होता है? जिसके घर खाना खा रहे हैं वो तो रो ही रहा है, पर हम जीम रहे ना, कहीं ना कहीं अपनी कायनात को, अपने दर्द को जगाएं, तो जीमते जीमते हमें भी लगता है कि दर्द हमें भी है। आप क्या बात करते हैं? इसी समाज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया था, वो भी आगे गए थे। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, हरियाणा ब्राह्मण समाज से। मेरा नाम रोहित शर्मा है, मैं नीम लगा हूँ। मैं जुल्म के खिलाफ कभी नहीं झुकता। इसी समाज से अंबेडकर साहब जन्मे थे। क्या देखा था उन्होंने अपने बचपन में? कुओं से दलित के नाम पे पानी नहीं भरने देते थे, लोगों पे अत्याचार करते थे। ये मैं ऊंची जात का हूँ, मेरे ब्राह्मण मोहल्ला है, तो नीची जात का कोई आता है तो पैरों में घुंघरू बांध दिया करते थे कि वो निकले तो लगे कि ये दलित आ रहा है, अछूत आ रहा है, उससे दूर हो जाए। और वो लोग आज सुधार की उनसे क्या अपेक्षा करते हो? उनसे आप सुधार की क्या अपेक्षा करते हो? वो बिगाड़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने सिर्फ इतिहास से अब तक लोगों का शोषण किया है, कर्म कांड के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे, पाखंड के नाम पे। उनसे आप अपेक्षा मत रखिए। मान्यवर, दिल में दर्द होता है जब ऐसे लोग, पूरी पूरी पांडाल में भरे लोग हैं और उनकी बात नहीं मानते, दो लोग उकसा के भ्रमित करके चले जाते हैं, उनकी बात नहीं माननी। इस